स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। सियासत के हवन कुंड से उठा धर्म का धुआं अब चारों तरफ फैलने लगा है। कई बात कह चुके हैं, अखिलेश भी कई बात कह चुके हैं, ये व्यक्तिगत उनका बयान है। और इस धुएं की गुबार से अब सपा के खेमे में धुंध छाने वाली है, क्योंकि सपा के खिलाफ पूरा संत समाज उतर आया है। सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। रामचरितमानस को लेकर हो रहे विवाद के बाद धार्मिक स्थलों पर सपा के एंट्री बैन होने वाली है। लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे। हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है, इसीलिए समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इनका चुनाव में बहिष्कार करेंगे। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबानी तरकस से लगातार रामचरितमानस को लेकर तीर चलाए जा रहे हैं और इस पर सपा का साइलेंट समर्थन आग में घी की तरह काम कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ रामचरितमानस की चौपाई को लेकर हमलावर हैं, बल्कि वो देश के साधु संतों पर भी ढोंग और पाखंड का आरोप लगा रहे हैं। इस दरमियान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान एक जैसी ही हो गई है और इस पर संत समाज ने सपा के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है। सियासत की ड्योढ़ी पर एक तरफ हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ इसके विखंडन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जिसमें हिंदुओं को जातियों में बांटकर नए समीकरण की तलाश जारी है। इसीलिए जो नारा पहले गर्व से कहो हम हिंदू हैं हुआ करता था, वो नारा अब गर्व से कहो हम शूद्र हैं बन गया है, जिसमें रामचरितमानस के चौपाइयों की दुहाई देकर सनातन के अपमान की बात कही जा रही है। इसी अपमान के खिलाफ अब संत मंडली भी उतर आई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में सियासी कुंड से उठा ये धुआं शांत होगा या फिर इसकी लौ में सियासी भुट्टे भून कर खाए जाएंगे।